अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बनाएंगे लौकी का हलवा, जिसमें मैंने ये लौकी ली है जिसको कद्दूकस कर लिया है। ये आधा किलो है, ठीक है, आधा किलो लौकी है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स हैं, जो कि आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कितने डालने हैं। इलायची है, ठीक है, ये तकरीबन 6 इलायचियाँ हैं। और असली घी है, कंडेंस मिल्क है, मिल्क पाउडर है, ये 1 ग्लास फ्रेश मिल्क है, खोया है। सबसे पहले हमें लौकी सारी अपनी पतीली में डालनी है। पतीली में लौकी डालने के बाद इसमें दूध डालना है। अच्छा, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। और मैंने लौकी में दूध डाल दिया है, इसको मैं, ये देखें, इसको मैं ढककर पकाऊंगी। लौकी को हम बार बार ढक्कन खोल के देखेंगे और इसको इस तरीके से घोटना है। इतना घोटना है कि ये बिल्कुल हलवे की तरह बिल्कुल नरम नरम से हो जाए। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह लौकी काफ़ी पक चुकी है। मैं इसमें चीनी डालूँगी 200 ग्राम, क्योंकि कंडेंस मिल्क है मेरे पास, तो इसलिए चीनी मैं थोड़ी कम डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अच्छा, लौकी की बड़ी अजीब सी आ रही है, लेकिन ये कि इसमें आधी इलायची में डाल दूँगी। जब इसका बघार होगा तो ये फिर अच्छा हो जाएगा इसका जायका। आधी इलायची हम डाल के पकाएंगे और आधी इलायची बघार के लिए इसके रखेंगे। लौकी का पानी खुश करने के बाद हम कढ़ाई में घी डालेंगे, इसको हल्का सा गरम करेंगे। और गरम करने के बाद इसमें हम इलायची डालेंगे। ठीक है, वो थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे। पूरी लौकी डालने के बाद हम इसको भूनेंगे और हल्का हल्का सा ड्राई फ्रूट इसमें डाल देंगे और खोया भी इसमें डाल देंगे। और एंड में गार्निशिंग के लिए बस थोड़ा सा रखेंगे। ठीक है, इसको पूरा घी ना में अच्छे से भूनना है और इसको पकाना है। ठीक है, हम इसको भूनते भी रहेंगे और उसकी शुगर भी चेक कर लेंगे। अगर हमें शुगर कम लग रही है, सही है, आपको अपने टेस्ट के हिसाब से करनी है। मुझे तो अपने हलवे में बिल्कुल ठीक लग रही है, क्योंकि एंड में थोड़ा सा कंडेंस मिल्क भी यूज़ करूँगी, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। अगर आप लोगों को डालनी है उस टाइम पर, तो डाल के भूनें। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार हो गया है। बस अब मैं इसको सर्व करूँगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।